नमस्कार, TV24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके सामने अलग अलग जिलों और राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने ला रहे हैं जो कि वहां के बदलाव को दर्शाती है। और अब हम मौजूद हैं पूर्वांचल में। हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जिला जहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के उस हिस्से की जहाँ कभी बाहुबलियों का राज हुआ करता था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ सांसद बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, तो उनका जो विकास को लेकर पूरा फोकस रहा है तो उसी जिले में रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की। वही गोरखपुर जहाँ पे आज के समय में एम्स भी है, बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं और अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्म सिटी भी बन रही है। कितना बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश के इस जिले में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से ही आते हैं, विकास के नए आयाम को छू रहे उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमारा सफर बढ़ चला है गोरखपुर की तरफ। गजब के गोरखपुर का, पूर्वांचल के विकास का ये सफ़र हमारा शुरू हुआ गोरखपुर के नौका विहार से। शहर के दक्षिणी पूर्वी छोर पर 1700 एकड़ क्षेत्र में फैला रामगढ़ ताल गोरखपुर को प्रकृति की अनुपम भेंट है। इस ताल का केवल गोरखपुर के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐतिहासिक महत्व है। इतिहासकार डॉक्टर राजबली पांडे के मुताबिक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गोरखपुर का नाम राम ग्राम था। यहाँ कोलियगढ़ राज स्थापित था। उन दिनों राप्ती नदी आज के रामगढ़ ताल से ही होकर गुजरती थी। बाद में राप्ती नदी की दिशा बदली तो उसके अवशेष से रामगढ़ ताल अस्तित्व में आ गया। राम ग्राम से ही ताल को रामगढ़ नाम मिला। 90 के दशक के बाद जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रामगढ़ ताल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की, जो 1989 में उनके निधन के बाद अधर में लटक गई। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया के रूप में कुर्सी पर विराजमान होते ही एक बार फिर से रामगढ़ ताल को विकसित करने की और उसे सजाने की संकल्प के साथ दृढ़ इच्छा बांध ली। और आज इस रामगढ़ ताल की सुनहरी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोज़ शाम को लेज़र शोज होते हैं जिसको देखने के लिए गोरखपुर से ही नहीं बाहर बाहर से लोग इकट्ठा होते हैं। मौजूद है गोरखपुर के नौका विहार में, वो नौका विहार जहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी रहती है, यहाँ लोग घूमने इतना आते हैं कि खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग घूम कर आ रहे हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे घूम के कैसा लगा, कितना गोरखपुर बदल रहा है। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण यादव है। प्रवीण जी, आप घूम कर आ रहे हैं, यहाँ पे घूमने का ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ है? यहाँ पे आज योगी जी आए थे, इसलिए आप लोग आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग का डेली का यहाँ टहलना है। सुबह शाम डेली आते रहते हैं अपने, मतलब शारीरिक को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए। अच्छा, आपका नाम? निखिल यादव। निखिल जी, यहाँ पे गोरखपुर बहुत बदला लग रहा है, पहले कैसे था, अब कैसा हो गया? मैम अब तो बहुत अच्छा हो गया, पहले मैम अच्छा नहीं था, ये सब सड़कें उड़के नहीं थी पहले। अच्छा। अब सड़क उड़क बन गया है, घूमने में मजा आता है। कैसा लगा गोरखपुर आके? गोरखपुर बढ़िया लगा, आगरा से तो डिफरेंट ही है, लेजर लाइट और जू है, ये सब चीजें आगरा में नहीं है, ताजमहल के लिए फेमस है बस आगरा। अच्छा, तो योगी जी का गढ़ है और यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ के बढ़िया लग रहा है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आए तो मतलब फुल एंजॉय। कहाँ कहाँ घूमे आप? अभी तो गोरखनाथ मंदिर और जू और ये तुम्हारा नौका विहार। अच्छा, यहाँ पे सुविधाएं कैसी लगी, दोबारा आना चाहेंगे? बिल्कुल दोबारा आना चाहेंगे, बिल्कुल। आपको कहाँ से आए हैं? मैं वाराणसी से आया हूँ, बनारस से। पहली बार आए? हाँ जी पहली बार आया हूँ। कहाँ कहाँ घूमा? अभी नौका विहार और ये गोरखधाम मंदिर। कैसा लगा? वाराणसी ज्यादा बेस्ट है, गोरखपुर ज्यादा बेस्ट है? वाराणसी ज्यादा बेस्ट है। यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी? यहाँ पे अभी सुविधाओं में थोड़ी सी कमी नजर आई है। जैसे? जैसे ये सीटिंग है यहाँ पे, अभी लोग फॉगिंग का कुछ नहीं है, मॉस्किटोज हैं और मच्छर काट रहे हैं, कोई सीटिंग प्लान नहीं है कुछ बैठने का भी खास। अच्छा, लेकिन ये डेकोरेशन कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं, लेजर शो अच्छा लगा है। अच्छा, यहाँ पे लोग इतना आ रहे हैं वो कैसा है? नहीं, पब्लिक है और पब्लिक का नेचर कैसा है? पब्लिक का नेचर बहुत क्यूट है। अच्छा।
सांसद जी का और मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा? गोरखपुर बदल रहा, विकास हो रहा है। अभी मैं पहली बार आया हूँ तो पहली बार आए हैं तो कैसा लगा? नहीं, अगर एक्सपीरियंस देखें तो बनारस के मुकाबले थोड़ा कम है। सुंदर है सिटी। हाँ, सुंदर है सिटी, सुंदर है लेकिन बनारस से कम। घूमे आप? हम तो गोरखपुर में बाबा की कर्म भूमि पे घूमे और यहाँ पे आए तो बड़ा अच्छा लगा। जब पहले की अपेक्षा, जब उत्तर प्रदेश जब आए थे गोरखपुर में, उसके बाद जब से योगी जी का जो रोल मॉडल है उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया विकास किया है और निरंतर विकास के प्रति गोरखपुर अग्रसर ही है। लोग कहते हैं कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उनका गढ़ है, तो क्या लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा विकास है कि नहीं? नहीं नहीं, गलत बात है। योगी जी ने पूरे प्रदेश में जो उनका मतलब जो उनका है वो पूरे प्रदेश को साथ लेके चल रहे हैं। आप बनारस जाइए, आप किसी भी जगह जाइए, उन्होंने सतत प्रकाश चित्रकूट में देखिए आप भगवान राम की जन्मस्थली का सुधारने का काम किया है और अयोध्या में चल ही रहा है आपका। और बाबा के जब बाबा ने समाया लाइन ऑर्डर भी है, देखिए माताएं बहनें घूम रही हैं, खुशहाल तरीके से घूम रही हैं। ये तो बाबा के इराज में ही संभव हो सकता था। पुलिस व्यवस्था से खुश है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस भी मतलब तरीका बदला है उनका बात करने का। पहले आप भी समझती थी पुलिस, अब सर कह के बात करना सीख गई है। अभी तो यहीं गोरखपुर ही आए हैं, रेडसन होटल में अभी रुके हुए हैं, अभी 2-3 दिन रुकेंगे यहाँ पे। डीजी साहब की सुरक्षा में हैं, बस उसके बाद वापसी। अच्छा, बाकी यहाँ पे सुविधाएं कैसी लग रही है, ट्रैफिक को लेके, साफ सफाई को लेके? बहुत अच्छा है, पहले की अपेक्षा आज बहुत विकास हो चुका है। कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई असुविधा। और कहाँ घूमने जा रहे हैं? बस इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे लखनऊ वापस। नौका विहार में यहाँ पे जो पानी है साफ दिखा कि नहीं? नहीं, अभी तो घूमे नहीं है, बस उसीलिए आए हुए हैं, बस अभी देखेंगे, सर्वे करेंगे इसका, उसके बाद वापस। कहाँ का घूमे? ये गोरखनाथ मंदिर गया था, वहाँ भी अच्छा लगा और उसके बाद यहाँ आए अभी। कैसा लगा गोरखपुर, क्योंकि यहाँ पे काफी बदलाव होता जा रहा है? अभी तक नाम सुना था लेकिन आज देख के बहुत अच्छा लगा, काफी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, विकास हो रहा है, शहर भी अच्छा है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो और भी बढ़िया लगी मेरे को, विकास हो रहा है, काफी अच्छा लगा। हाँ, बदलाव हो रहा है उसको देखते हुए क्या कहेंगे? नहीं, बदलाव तो दिखता है ना, आते हुए रास्ते में रोड है, व्यवस्था है अपने ट्रैफिक की है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम था, जो डिस्प्ले था नौका विहार में, वो तो एकदम अच्छा लगता है बिल्कुल। एक चीज सुनने में आया यहाँ पे, इस रोड पे पहले लोग दिन में भी आने में डरते थे, आज के दिन में ये चीजें खौफ यहाँ से खत्म हो चुकी हैं और यहाँ की लाइटिंग और ये रोड की सुविधाएं अच्छी मिली हैं, जिसकी वजह से लोग बेहिचक आते हैं, बेडर रहते हैं, निडर रहते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पहले आ चुकी हैं? हाँ, एक बार आई हूँ मैं। अच्छा, पहले और अब में कितना अंतर दिख रहा है आपको? पहले और अब में काफ़ी अंतर है। अच्छा, ऐसा कहा जाता था पहले ये पूरा माफियाओं का कड़ हुआ करता था, लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, अब सेफ्टी? नहीं, अभी तो सेफ है काफ़ी, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मतलब ये जगह बेसिकली यहाँ पे कोई आता ही नहीं था उस समय, डरते थे लोग आने में, बट अभी बहुत सेफ फील करिए। और अब जब आप पूरे रास्ते में आई होंगी तो क्या पुलिस व्यवस्था सही थी? हाँ बिल्कुल, कोई भी इवन ट्रैफिक वगैरह भी मैंने देखा, ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस भी काफ़ी चेंज हुए हैं यहाँ के, पहले से बहुत इम्प्रूव है। आपके साथ बच्चे भी हैं तो इन लोगों को कैसा लगा यहाँ आ जाओ? बहुत अच्छा लगा। आयुष शुक्ला। आप कौन से क्लास में हो? फिफ्थ। फिफ्थ में कैसा लगा गोरखपुर घूम के? बहुत अलग, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। अच्छा, आपको बेस्ट क्या लगा अभी तक यहाँ पे? मतलब यही सब ज़्यादा अच्छा लगा, ये जो है अच्छा लगा। हाँ, लाउड म्यूजिक अच्छा लगा? नहीं, उतना तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे वाटर भी है, बोट भी है, सब अच्छा लगा? हाँ, बोटिंग भी की अभी। ओके, नेक्स्ट टाइम आओगे आप? हाँ। पहली बार आई हैं? नहीं, आए तो कई बार जी है लेकिन यहाँ पे पहली बार जी आए नौका विहार। अच्छा, नौका विहार काफी बदला हुआ लग रहा है आपको, ऐसा लगा? हाँ, कुछ चेंज है और अच्छा भी लगा, आए पहली बार जी। आप पूरी फैमिली के साथ आई हुई है, सिक्योरिटी पर्पस से कैसा है? सब अच्छा लगा जी। पहली बार आए? नहीं, कई बार तो लोकल में है, बार आना जाना रहता है। पहले माफिया राज हुआ करता था और अब के टाइम में उत्तर प्रदेश गोरखपुर बदला हुआ है, अंत होने वाला है और गोरखपुर की विकास की धरोहर पे है और हर विकास पे योगी जी अपने गति को देने वाले हैं काम को, और आने वाला कल और अच्छा होगा गोरखपुर के लिए, और विकास की गंगा बह रही है गोरखपुर में और चारों तरफा इस विकास में सारे जनता उनके साथ हैं और हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं योगी जी के, और जनता भी उनके प्रति बहुत हिदायत। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से कैसा है ये नौका विहार।
यहाँ के सफ़र के बाद हम चल पड़े गोरखपुर की उस जगह पे जो कि प्रकृति की गोद में बसी हुई है, जिसे हम और आप वनटांगिया गांव के नाम से जानते हैं। वो वनटांगिया गांव जिसे 60 सालों तक उत्तर प्रदेश में वोट देने तक का हक नहीं था। वहाँ के वासियों के पास सुख सुविधा नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उनके हक की लड़ाई के लिए अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरते हुए नजर आए थे और कई बार उनके ऊपर मुकदमे भी लदे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2007 में अपनी दिवाली गोरखपुर के वनटांगिया समुदाय के बीच मनाते हुए नजर आए थे। इनके हक हुकूक के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी, मुकदमे झेले थे। वनटांगिया समुदाय अलग अलग स्थानों के ऐसे लोग थे जिनके पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वन में रहकर साखू के पेड़ लगाने और उनकी देखरेख करने वालों को वनटांगिया कहा गया। गोरखपुर जिले के कुसमी जंगल के 5 इलाके जंगल तिकुनिया, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आम बाग नर्सरी व चिलबिलवा में वनटांगिया की 5 बस्तियां हैं। ये बस्तियां 1918 में बसाई गई थी। वनटांगिया के हक के लिए योगी ने लंबी लड़ाई लड़ी। लोकसभा में वनटांगिया वासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले योगी ने 2007-08 में वन अधिकार संशोधन अधिनियम पास कराया। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के पहले ही साल अक्टूबर 2017 में उन्होंने वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया। योगी आदित्यनाथ 2007 से ही हर साल दिवाली पर किसी एक वनटांगिया गांव में आते हैं। बच्चों को मिठाई, टॉफी, कॉपी किताब और स्कूल किट का उपहार देकर पढ़ने को प्रेरित करते हैं। वनटांगिया गांव के बच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टॉफी वाला बाबा भी कहकर पुकारते हैं। फिलहाल अब ये वनटांगिया गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। अब यहां पर प्राथमिक विद्यालय भी है। अब यहाँ पर घरों में बिजली भी आती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बेहतर हो गई है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकान भी मिल गए हैं और सबसे अहम बात, इन्हें रोज़गार से भी जोड़ा जा रहा है। हमारी टीम ने भी वनटांगिया गांव पहुंचकर सूरत हाल जाना कि आखिर वनटांगिया गांव कैसा है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गोद लिया हुआ है। हम मौजूद हैं प्रकृति के बीच स्थित एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय में जहां इतिहास रचा गया है। जी हां, हम वनटांगिया के प्राथमिक विद्यालय में हैं जहां इतिहास में पहली बार वोटिंग करी गई। और यहां आप देख सकते हैं कि प्रकृति भी है, यहां पे बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है और यहां पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। बच्चे कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान भी रखा गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों का ध्यान रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर टाइल्स भी लगे हुए हैं, बच्चों के प्रार्थना के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेस भी है, यहाँ पे गार्डन भी बना हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कक्षाओं के ऊपर नाम भी लिखे गए हैं, जैसे कि कक्षा 7 है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ये कक्षा रखी गई है, प्रताप कक्ष रखा गया है, तो महापुरुषों के नाम पे कक्षाओं के नाम रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी बेस्ट क्वालिफाइड हैं। और एक वक्त ऐसा था जहाँ पे टीचर्स बीच जंगलों में बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे मैम से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ बदलाव हुआ है, पहले बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते थे। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम आलेख शरण। जी मैम, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं? हाँ जी, एमए बीएड है, फाइन आर्ट से मैं एमए हूँ, ये यूनिवर्सिटी से मैंने किया है एमए बीएड। मैम, कितने सालों से आप यहाँ पढ़ा रही हैं? हम लोग यहाँ 8 दिसंबर 2011 से आए हुए हैं। जी, पहले किस तरह का था, बच्चे कैसे पढ़ते थे यहाँ वनटांगिया में, क्योंकि ये स्कूल बहुत नया है और बताया जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे विकास किया है, स्कूल बनवाया है, तो पहले बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करते थे वनटांगिया में?
पहले तो इनको पढ़ने का कोई साधन नहीं था यहाँ पे, जब हम लोग आठ इन्होंने फिर यहाँ पे डीएम से सीडीओ से सबसे बात की, तो उस समय महंती जी हुआ करते थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे बेसिक के कार्यालय में जाके बात की कि यहाँ पे टीचर्स भेजा जाए। तो यहाँ पे बीआरसी, हम लोग बीआरसी चरगावा से अटैच हैं, तो बीआरसी चरगावा से बोला गया, पूछा गया कि कोई आने को उत्सुक है जंगल में जाने को, तो कोई नहीं जाने को तैयार हुआ। हम दो टीचर्स, मैं आलेख शरण और रेखा सिंह, हम दो टीचर्स यहाँ आए 8 दिसंबर 2011 में, और पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे खुले में जाड़ा गर्मी बरसात में हम लोगों ने पढ़ाना इन लोगों को शुरू किया। पहले अक्षर ज्ञान दिया, फिर इन लोग की एज के हिसाब से इन लोगों को क्लास दिया, और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। लोग जिस तरह से ये आदिवासियों का जगह रही है और यहाँ पे बच्चों को दूर भेजने में, पढ़ाने में और पैसे से संबंधित कई परेशानियों का सामना करते हैं लोग, तो किस तरह से उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, कितनी मेहनत रही आप लोगों की भी? नहीं, इनको शौक़ तो था, सीखने का शौक़ था, और माँ बाप को पढ़ाने का भी शौक़ था, क्योंकि अब ये ज़िंदगी ये लोग जी लिए थे, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि नहीं अब मेरे बच्चे भी कुछ पढ़ के, कुछ ज्ञान हासिल करके कुछ अच्छे पोस्ट पे जाएं, लेकिन पढ़ें कैसे, स्कूल नहीं था, तो इस वजह से हम लोग जब आए तो इन लोगों को हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। और वैसे तो ये निःशुल्क है, यहाँ पे कोई भी पैसा, कोई फीस नहीं लगती है, तो इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि चलो हमें कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी और हम पढ़ लेंगे। और जंगल पहले काफ़ी मतलब लंबा था, ये रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं था, तो जाने में भी दूर दिक्कत होती थी, तो हम लोग यहाँ आके पढ़ाने लगे और बच्चे पढ़ने बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा यहाँ दिवाली मनाने आते हैं, स्कूल का निरीक्षण करने बच्चों से मिलने भी आते हैं क्या? जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो ये विद्यालय बना है, उन्होंने ही इसका लोकार्पण भी किया इसको, और क्या कहते हैं, लास्ट टाइम आए थे उन्होंने, सब बच्चों से बात की, बच्चों से परेशानी पूछी, बच्चों को क्या कहते हैं टॉफियां स्वीट्स वगैरह भी दिया, स्मार्ट क्लास का उद्घाटन भी उन्होंने किया, तो ये सब किया था। अब यहाँ पर बच्चों से भी बात कर लेते हैं, जब मुख्यमंत्री उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? आपका नाम? माय नेम इज़ खुशी सर। जी, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं? हाँ मिले हैं। अच्छा, जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ाई करने आते हो, आपको कभी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है क्या? हाँ पड़ा है, पर अब नहीं। अब नहीं? नहीं। अच्छा, और आपकी फैमिली सपोर्ट करती है आपको? हाँ करती है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हम लोग पढ़ नहीं पाते। अच्छा, आपका नाम? शारदा। अच्छा, आप पढ़ाई के लिए जब यहाँ आते हो, आपको फीस इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्या बनना है आपको? अभी सोचे नहीं, सोचेंगे तो बताएं। सोच के बताओगे? ठीक है। कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास में। नाम? माय नेम इज सनी निषाद। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही है इस टाइम? इसमें आदर्श, हमारा आदर्श। हमारा आदर्श? यस मैम। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? बिल्कुल एकदम बढ़िया होती है। अच्छा, मैम जो समझाती हैं समझ में आता है? हाँ एकदम कंफर्म समझ आता है पूरा। मुख्यमंत्री जब लास्ट टाइम आए थे आपने देखा था उन्हें, मिले थे? हाँ देखे थे, मिले भी क्या थे। क्या बोल के गए थे? बोले थे सब अच्छे से पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, कुछ जीवन में अच्छा बनना। आपको क्या बनना है? हमको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना? यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू मैम। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपने भविष्य को लेके, और जिस तरह से बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं उससे ये बिल्कुल साफ है कि वो एक दिन इस वनटांगिया गांव का नाम रोशन करेंगे। अब अगली कक्षा की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी बच्चे बड़े उत्साह के साथ मन लगा के पढ़ रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबकी नोटबुक्स खुली हुई हैं, मैम यहाँ पर काम करवा रही हैं। तो यहाँ पर मैम से पहले बात कर लेते हैं। मैम आपका नाम? आयुषी श्रीवास्तव। कौन सी क्लास चल रही है इस टाइम? इस टाइम 5th और 6th साथ में। अच्छा, कौन से बच्चे 5th के, कौन से 6th के? इधर वाले 6th के, उधर वाले 5th के। अच्छा, एक साथ दोनों क्लास को आप मैनेज कैसे कर लेती हैं? करना पड़ता है। ओके, कितने टीचर्स हैं इस टाइम स्कूल में? इस टाइम तो 4 लोग हैं, बाकी 2 लोग सीसीएल पे हैं और 1 लोग मेडिकल पे। ओके, तो यहाँ पे जब इस तरह से पढ़ाई हो रही है, बच्चों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, कितनी मेहनत लगती है आपको? मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत है, उस तरह से देखा जाए स्टाफ कम है, मेहनत तो काफ़ी लगती है। जी, स्टाफ कम है लेकिन फिर भी शिक्षकों का उत्साह देखने लायक है, एक साथ पूरी क्लास चल रही है। और बच्चों से भी बात करते हैं, आपका नाम? काजल निषाद। काजल, आज कौन सी पढ़ाई कर रही हैं इस टाइम आप? विशेषण। अच्छा, तो जिस तरह से अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे स्कूल आके, अच्छा लगता है? यस मैम। ओके, आपको बड़े होके क्या बनना है? पुलिस। पुलिस
कॉलेज में जाना है। ओके, आपका नाम? संजना निषाद। संजना, आपको बड़े होके क्या बनना है? हमको डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? केदारनाथ। केदार, आपको बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिले आप? यस। मुख्यमंत्री ने क्या बोला था? कुछ बोला था? यस मैम। क्या कहे थे? अच्छे से पढ़ाई करो। यस मैम। कुछ अच्छा बनो। यस मैम। ओके, तो और भी बच्चे हैं, और भी बच्चों के पास जाते हैं। आपका नाम? माय नेम इज खुशी निषाद। खुशी, आपको बड़े होके क्या बनना है? हमें पुलिस बनना है। पुलिस, अच्छा, क्या कर रहे हो आप? आपका होमवर्क कंप्लीट है? अभी वो होमवर्क पूरा कर रहे हैं, मैं मेरी पढ़ा रहे हैं। सीएम को मिले हो आप? क्या कहा था सीएम ने? बोला था पढ़ लिख कर अच्छा बनो। आप क्या बनना चाहती हैं? हम पुलिस बनना चाहती हूँ। अच्छा, डेली स्कूल आते हो? यस मैम। मन लगा के पढ़ाई होती है? यस मैम। मैम जो समझाती समझ में आता है? यस मैम। ओके, यहाँ पे बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें। अब और क्लासेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों से भी बात करते हैं और यहाँ की सुविधाओं के बारे में भी जानते हैं। आपका नाम? माय नेम इज अंजू निषाद। अच्छा, यहाँ पे डबल डबल क्लासेस एक साथ चल रही, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका? हाँ, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, कि कौन सी क्लास का क्वेश्चन है ये समझने में? हाँ। ओके, तो आप क्या चाहते हो कि अलग अलग क्लास होनी चाहिए सबके लिए? हाँ। ओके, तो आपने क्या मुख्यमंत्री जी से ये बात कही थी? नहीं, नहीं कही थी। अच्छा, को कहना चाहिए था ना जब आपसे पूछा गया था? नहीं, हम नहीं आए थे। अच्छा, उस दिन आप नहीं आए थे? हाँ। ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप क्या उनसे ये बात कहेंगी? हाँ। चलिए, हम आपकी बात पहुंचा देंगे मुख्यमंत्री जी तक। ओके, यहाँ पे बॉयज भी हैं, क्या आप गेम्स खेलते हैं? आपका नाम? माय नेम इज पंकज सर। अच्छा पंकज, आप क्रिकेट या फिर कोई और गेम खेलते हैं? हाँ। अच्छा, स्कूल में क्या आपकी गेम्स क्लासेस होती हैं? नहीं। क्यों? फील्ड नहीं है यहाँ पर। फील्ड नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को ये बात बताई थी? नहीं, नहीं बताई थी। आपको बताना चाहिए था, वो अरेंज करते हैं, है ना? हाँ। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्या आप बताएंगे? हाँ। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? यहाँ पर फील्ड होना चाहिए खेलने के लिए, गेम गेम्स खेलने के लिए। आपकी विश जरूर पूरी होगी, मुख्यमंत्री जी इस बारे में जरूर संज्ञान लेंगे। यहाँ पे क्लासेस की कमी है, लेकिन जिस तरह से बच्चों का उत्साह है, वो एक साथ भी पढ़ के सब मैनेज कर रहे हैं, भविष्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से बच्चों ने बताया कि अगर अलग अलग क्लास हो तो उनको अलग अलग टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा, और अगर फील्ड होगी तो बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकेंगे। और बच्चों की इच्छा है कि यहाँ पे प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। और क्लासेस हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमरे हैं और यहाँ पे कक्षा 8 तक स्कूल चल रहा है और टीचर्स की संख्या भी कम है, और जिस वजह से एक टीचर को डबल डबल क्लास मैनेज करनी पड़ती है। बच्चों को भी कभी कभी सब्जेक्ट और क्वेश्चन समझने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों की मांग है कि यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस होनी चाहिए, ज़्यादा टीचर्स होने चाहिए स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, बच्चों को मौका मिले इसके लिए यहाँ पे फील्ड भी होनी चाहिए। तो बच्चों की और कक्षाओं की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम आपको एक और चीज़ दिखा दें कि यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ साथ शौचालय की भी व्यवस्था है, रसोई घर की भी व्यवस्था है, स्टोर रूम की भी व्यवस्था है। मिड डे मील के लिए यहाँ पे रसोई घर बनाया गया है, जहाँ पे बच्चों को शुद्ध और ताज़ा खाना यहीं पर बना के दिया जाता है, और स्टोर रूम है, शौचालय है, ताकि बच्चों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम चलते हैं रसोई घर की तरफ, उसका हाल जानते, देखते हैं कि कितनी साफ़ सफाई से यहाँ खाना बनाया जाता है। तो ये किचन है। या आपका नाम? लक्ष्मी। यहीं पे बच्चों को मिड डे मील बनता है क्या? हाँ। अच्छा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरी साफ सफाई के साथ काम हो रहा है, यहाँ पे पूरी साफ सफाई है और पूरी गैस वैस भी साफ रखी हुई है। सफाई से भोजन बनाया जाता है ताकि बच्चों को अच्छा और शुद्ध भोजन मिल सके। यहाँ पे बच्चों का शौचालय भी है, यहाँ पे शौचालय की सुविधा है, यहाँ पे पीने का शुद्ध पेयजल भी है, और देख सकते हैं हम यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा प्लेग्राउंड है और बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही कि वो उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों से भी जानते हैं कि वो कितने उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सर, आपका नाम? अजय कुमार भास्कर।
सही, कौन सी क्लास चल रही है? क्लास वन है मैडम। क्लास वन है जी जी। तो क्लास वन के बच्चों की छुट्टी कितने बजे होगी? सब मैडम 3 बजे होगी। 3 बजे होगी जी जी। तो सबका टाइम वही है, लगभग 3 बजे जी। तो यहाँ पे सिंगल क्लास चल रही है कि यहाँ पे भी डबल क्लास चल रही है? नहीं, यहाँ तो सिंगल क्लास चल रही है। सिंगल क्लास चल रही है, जैसे यहाँ पे क्लास वन और टू सिंगल चलती है, बाकी डबल चलती है हमारे यहाँ। ताकि आप छोटे बच्चों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। जी जी जी। फाउंडेशन अच्छा रहे। जी जी जी। ठीक है, तो क्या बच्चे हमको कुछ सुना सकते हैं? जी। किस तरह की इनकी पढ़ाई चल रही है, कितना अच्छा सीख रहे हैं? जी, जैसे ये कुछ बने हुए फिगर, इसको गिन कर ये बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते बच्चों की, छोटे बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। स्टार कितने बने हुए, गिन के बताइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितना टोटल? पाँच। ये बताओ, बोला। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। कितना हुआ? नौ। वाओ, वेरी गुड। हेलो जाओ। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी शिक्षा के बारे में नहीं सोचा था, जिनके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे इतने अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से इस गांव में बदलाव किया है, विकास किया है, बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल रहा है और बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, और इतना मन लगा के पढ़ रहे हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बाकी व्यवस्थाओं की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं कि बाकी व्यवस्थाएँ कैसी हैं। देख सकती हैं आप, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है। हमने उधर तो दिखा दिया कि स्टोर रूम, रसोई घर और वॉशरूम्स हैं। अब ये छोटी सी गलियारे से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर पेंटिंग है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और यहाँ आए। और यहाँ पे लगा हुआ है मिड डे मील का बोर्ड, देख सकते हैं कि दिन के अनुसार यहाँ पे बच्चों को भोजन मिलता है। सोमवार को रोटी सब्जी और ताज़ा मौसमी फल मिलता है, मंगलवार को चावल दाल, बुधवार को तहरी दूध, उबला हुआ गर्म दूध मिलता है, गुरुवार को रोटी दाल मिलती है, शुक्रवार को तहरी, और इस तरह से पूरे हफ्ते का चार्ट बना हुआ है कि बच्चों को किस दिन क्या मिलेगा। तो ये पूरा हमने आपको प्राथमिक विद्यालय दिखाया है, सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। और अब हम आपको एक और अनोखी चीज़ दिखाते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हम प्रकृति के बीच है, जंगल में है, जहाँ पे एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे लाइट नहीं आती थी। सामने देख सकते हैं बिजली का पोल है, आज के वक्त में यहाँ पे बिजली की सुविधा भी है, लेकिन इस प्राथमिक विद्यालय में बिजली के पोल के साथ साथ यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है। सोलर की मदद से यहाँ पे लाइट का प्रबंध है, बच्चों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े, बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर लाइट मिले, पंखे के नीचे वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, कोई असुविधा ना आए। हम मौजूद है उस गांव में जिसकी प्रसिद्धि इस वजह से है क्योंकि उसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है, जहां पे इतिहास रचा गया, पहली बार वोटिंग का लोगों को अधिकार मिला। जी हां, हम मौजूद हैं वनटांगिया गांव में, जहां पे आज अगर आप नज़र उठाकर देखेंगे तो पक्के ही गाँव हैं, लेकिन अगर मिट्टी से बने इस कच्चे मकान की तरफ देखें तो एक समय में सिर्फ ऐसे ही मकान हुआ करते थे जहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन आज जब सभी को सरकारी आवास मिल चुके हैं तो इन कच्चे मकानों में सिर्फ उनके या तो पशु रहते हैं या फिर वो अपने ज़रूरत का सामान रखते हैं। अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें सरकारी आवास की सुविधा मिली है, किस तरह से यहाँ पे बदलाव हुआ है। और इधर आप नज़र जहाँ उठा के देखेंगे वहाँ पे देखेंगे विकास, ये वही पुराना स्कूल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनवाया गया, जहाँ पे बच्चों को पहले शिक्षा मिलती थी, लेकिन अब ये कुछ सरकारी कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेकिन जब से प्राथमिक विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय बना है, उसके बाद से इस स्कूल को बंद कर दिया गया है, यहाँ पे अब सरकारी काम होते हैं, लेकिन ये सड़कों को देख सकते हैं आप, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी शहर में ही हैं क्योंकि इस तरीके की सड़कें बनी हुई हैं। और अब यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राम केसी। आपको पक्का मकान मिला है, सरकारी आवास मिला है? हाँ हाँ मिला हुआ। अच्छा, ये फिर जो कच्चे मकान है इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? खाना बना ला, लड़के रह ला। अच्छा, सर सामान है और है जी। मुख्यमंत्री ने गांव को कितना बदला है? बहुत बदल गई, आवास मिल गई, सड़क मिल गई, बिजली लग गई। हाँ, छोटे छोटे बच्चे आपके घर में स्कूल जाते भेजती हैं? हाँ, जाना बच्चे का कुल बात। अच्छा लगता है बच्चे स्कूल जाते हैं? अच्छा लगा ला।
तीन बच्चे जा रहे हैं स्कूल। जी मुख्यमंत्री जब यहाँ आते तो मिलते हैं आपसे? हाँ मिलने आते हैं। हाँ हाँ और लोगों से भी बात करते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ऐसा सब मानते हैं कि कई सौगातें देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को पक्के मकान तो मिले हैं, बगिया भी बना रखी है, सारी सुविधाएं हैं, खूबसूरती गांव की नजर आ रही है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? सुनीता सहानी। जी आपको पक्का मकान मिला है सरकारी आवास? मिला है। क्या है? ये सरकारी आवास है। हाँ, हाँ। खुश है सरकारी आवास मिलने के बाद? खुश है। अच्छा योगी जी आते तो क्या कहते हैं, कुछ बात होती है? हाँ होती है। क्या कहते हैं? पहले तो यहाँ लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, इतना कीचड़ा होता था, रोड निकलवा दिए, आवास दे दिए, शौचालय हो गया, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइट हो गया, सब सुविधा हो गया। अच्छा रोजगार रोजगार की तो कोई कमी नहीं है? नहीं मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। अच्छा और राशन आशन मिलता है टाइम से? सुविधा है। हाँ, सब कुछ है। खुश है। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती है, स्कूल जाती हो? यस। क्या नाम है? खुशबू। खुशबू अच्छा लगता है स्कूल जाके? हाँ। अच्छा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने पक्के मकान हैं लगभग सभी सरकारी आवास हैं और सरकारी सुविधाएं सभी को मिली हुई हैं। और जो कच्चे मकान आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के पशु बंधे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भैंस बंधी हुई है, लोगों के घर में बगिया बनी हुई है। और यहाँ पे लोग अब पक्का मकान मिलने के बाद काफ़ी खुश है। कोई नहीं कहेगा कि एक ऐसा गांव था जो आदिवासियों का गांव था, यहाँ पे कभी वोट का अधिकार नहीं था, कभी यहाँ पे सड़कें नहीं थी, कभी यहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं थी, स्कूल अस्पताल नहीं थे। लेकिन अगर आज के वक्त में देखें तो लोगों के पास बिजली भी है, पक्की सड़कें भी हैं, सारी सुविधाएँ हैं। क्या समय है और किस समय जो सुविधा दी जाएगी और पूरी जानकारी यहाँ पे है। अंदर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? उषा। अच्छा सरकारी आवास की सुविधा लोगों को लगातार मिल रही है, आप लोग को सारी सुविधा मिली है? हाँ मन के मिलल बा, ये लाइके के जौन भाइल बा शादी सुधाई है ना मिलल बा। मुख्यमंत्री ने बदलाव किया है गांव का, आपको क्या लगता है कोई कमी तो नहीं है? कमी तो ना आई बस सब ठीक है, मानो जौनी कार्रवाई है तन चेक ओक लग जाता और बढ़िया रहा। और भी लोग हैं यहाँ, अब हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे और बदलाव हुआ है। और स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, सब खुशी खुशी अपने घर लौट रहे हैं और अब यहाँ पे बाकी लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, यहाँ बेंच की सुविधा आप उठा रहे हैं और अगर हम देखें तो शहरों में भी बहुत कम जगह पे होता है लेकिन यहाँ पे गांव में प्रॉपर बेंच लगी हुई है। आपका नाम? मेरा नाम है राम गणेश बंटांगिया मुखिया, तिनकोनिया, गोरखपुर। अच्छा मुखिया जी कितना विकास हो गया है यहाँ पे, आप ही बता दीजिए। यहाँ तो विकास जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा हुआ है कि जबकि हम लोगों के पूर्वजों ने 1918 से फॉरेस्ट का काम करते हुए चले आ रहे थे, ये बधुआ मजदूर थे, बधुआ मजदूर को कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो 2017 में जब बन जाता है सरकार, तो हम लोगों के वहाँ जैसे यार नज़र में कहने को क्या बात है, नज़र में आज खुद हमारे दिखाई दे रहा है कि पानी की टंकी लगा हुआ है, सोलर है, लाइट है, बिजली है, आवास है, शौचालय है, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और यहाँ पर 437 अंत्योदय राशन कार्ड है। जो राशन कार्ड के लिए लोग परेशान रहते थे, पता नहीं लगता था कि राशन कार्ड कैसा होता है, लेकिन सरकार की सारी सुविधा हम लोग के गाँव में पड़ा हुआ है। हम लोग के वहाँ पंचायत भी हो रहा है, हम लोग अपना प्रधान भी चुन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव हो रहा है। कुछ कमियाँ हैं वह भी पूर्ण रूप से चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद आपको पहली बार वोट देने का अधिकार मिला, पहली बार आपने अपने मत का प्रयोग किया, कैसा लगा? ये तो मत हम लोगों को बहुत पहले से, जैसे लोकसभा विधानसभा है लेकिन मत लोग लेते थे, लेकिन उस मत का मुझे अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन हम लोगों को 2022
2020 में जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, हम लोग अपने गांव में पोलिंग बूथ बनवा करके वोट भी डलवाए, प्रत्याशी भी चुने और यहां पर सबका जात निवास आ भी बनना चालू हो गया, तो इससे बड़ा चीज़ क्या है। बिल्कुल, तो अब हमने ये देखा कि किस तरह से यहां पे विकास लगातार बढ़ रहा है, हो रहा है और यहां पे किसी भी चीज़ की, किसी भी सुविधा की कमी।